सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको सिंपल देके रखा है, एक इक्वेशन देके रखा है, इसको आपको सॉल्व करके क्या लाना है, वेरिएबल का वैल्यू लाना है जो आपको टी देके रखा है। टी आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैंने आपको पहले बताया वेरिएबल वेरिएबल के पास आ जाएगा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा नंबर है और ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है, ये भी मेरा एक वेरिएबल है। तो सिंपल मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊंगा सभी वेरिएबल्स के साथ, और कॉन्स्टेंट को मतलब नंबर को उधर ही रहने दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास लेके आया, नंबर को नंबर के पास छोड़ दिया, मतलब नंबर अकेला था तो उसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। अभी देखो टी के नीचे वन आ जाएगा, मैंने इसको फ्रैक्शन में, बाकी सब फ्रैक्शन में था वेरिएबल, ये नहीं था तो इसको मैंने फ्रैक्शन में लाने के लिए टी अपन वन कर दिया, ठीक है। अभी मुझे इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब आपको क्या करना है, इन सभी के नीचे मुझे क्या लाना है, 12 लाना है, ठीक है। तो 4 की टेबल में 12 लाने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, तो उसको 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो सिंपल 3 दा पे आता है, तो सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 की टेबल में कितनी पे आएगा, तो 4 दा पे आएगा, ठीक है। अब 1 के टेबल में कितने पे आएगा, 12, तो 12 दा पे आएगा, ठीक है। सॉरी 12 समझ लो आपका डिनोमिनेटर में तो आ गया। अब आपको जो आपके पास न्यूमिनेटर है ना, उसमें भी आपको 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नीचे जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो 3 मेरा किसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थ्री मेरा किसके साथ, 3t-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 4 भी मेरा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, टी तो मेरा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो 3 जब 3t के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 9, और टी आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो माइनस डाल दो। अब 3 2 6 हो जाएगा आपके पास, तो सिंपल 6 आ जाएगा। यहाँ आपके पास माइनस का साइन था तो सिंपल मैंने माइनस का साइन डाल दिया। अब 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, और टी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब 4 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, सिंपल माइनस डाल देना, और 4 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। प्लस आपका सिंबल है यहाँ पे, तो प्लस का सिंबल डाल लो, और 12 को जब टी को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12t आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12t आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपका 2/3 एज इट इज चलता जा रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू आपका 2/3 एज इट इज चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया, जो मेरा वेरिएबल्स का वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लेके आ गया, नंबर को नंबर के साथ छोड़ दिया, ठीक है। बाकी सब मैंने एज इट इज सेम लिख दिया, ठीक है, बाकी सब मैंने एज इट इज सेम लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो माइनस हो रहा है या फिर जो प्लस हो रहा है, जो प्लस माइनस हो रहा है उसको प्लस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस ये देखो, तो सिंपल 9 8 में से जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, सिंपल सा टी बच जाएगा, ठीक है। टी प्लस अभी आपका 12t प्लस में, तो सिंपल 12t हो जाएगा, ठीक है। 9 में से मेरा 8t गया, तो मेरे पास क्या बचा, सिंपल 1t बचेगा, तो सिंपल मैं टी लिखूंगा तभी भी चलेगा, और प्लस मेरा था प्लस 12t, तो सिंपल मैंने क्या किया, प्लस 12t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट माइनस की साइन बढ़ी है, तो सिंपल माइनस पहले आ जाएगा, और 12 में अगर 6 को मैं प्लस करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा अपन 12 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया है, टी प्लस 12t-18/12 इज इक्वल टू 2/3। तो सिंपल टी को अगर मैं 12 के साथ प्लस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 13t आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 18 आपका एज इट इज था, तो इसको एज इट इज रहने दो, अपन 12, और इज इक्वल टू के बाद क्या था आपके पास, सिंपल 2/3 था, तो सिंपल 2/3 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो मेरा ये 12 इस साइड डिवाइड में उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है, उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मतलब 2/3 × 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 3 12 को कट कर रहा है, तो सिंपल कट कर दो, 3 1 3 4 ठीक है, 3 1 3 4 12 से कट कर रहा है, ठीक है। तो 13t आपके पास एज इट इज था, उसको एज इट इज रहने दो, और -18 एज इट इज था, ठीक है। अब 2 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 4 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल -18 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 18 हो जाएगा आपके पास, 13t इज इक्वल टू 26 हो गया आपके पास। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो 13 मेरा इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 26/13 हो जाएगा। अब सिंपल देखो 13 और 26 कट रहा है, तो सिंपल काट दो, तो 13 1 और 13 2 31 से कट जाएगा, और 32 क्या हो जाएगा आपके पास, 26 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू आपके पास सिंपल सा क्या आ गया, 2 आ गया। तो सिंपल ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं इसका 6th क्वेश्चन। सो देखते हैं इसका 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, सिंपल वही 5th की तरह है कि आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साइड लेना है, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साइड लेना है, और मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। तो इस साइड वाले वेरिएबल्स को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा मेरा वेरिएबल्स है, इस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा,
ठीक है, तो m माइनस वन अपन टू, ये इस साइड प्लस में आ जाएगा, ठीक है, इस साइड माइनस में, इस साइड प्लस प्लस में आ जाएगा, m माइनस टू अपन थ्री इज इक्वल टू वन, आपका एज इट इज रह जाएगा। तो अब जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो सिंपल टू और थ्री का एलसीएम निकालूंगा तो मेरा एलसीएम कितना आएगा, तो सिंपल मेरा एलसीएम कितना आ गया, सिक्स आ गया। अब ठीक है, एलसीएम तो मेरा सिक्स आ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे भी मेरा क्या लाना पड़ेगा, सिक्स लाना पड़ेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में मुझे सिक्स लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साइड लिख देता हूँ और नंबर को नंबर के साइड लिख देता हूँ, ठीक है, तो मतलब अरेंज कर देता हूँ। तो सिक्स एम मेरा वेरिएबल है, माइनस थ्री एम भी मेरा वेरिएबल है, और प्लस टू एम मेरा वेरिएबल है, ठीक है, माइनस फोर आपका एज इट इज रहेगा, और माइनस ये जो आपका प्लस थ्री है वो इसका लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, सिक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखते हैं, देखो यहाँ पे जो जो कट हो रहा है सिंपल उसको प्लस, जो जो प्लस माइनस हो रहा है उसको प्लस माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा सिक्स एज इट इज था डिनोमीटर में और वन मेरा उधर एज इट इज, थ्री को मैं प्लस कर दूंगा टू के साथ, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये फाइव एम हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा, फाइव एम हो जाएगा, माइनस वन आपका एज इट इज रह जाएगा। अब डिनोमीटर में आपका सिक्स था तो सिंपल मैं यहाँ पे सिक्स लिख दूंगा, ठीक है, अब इज इक्वल टू वन है तो सिंपल उसको इज इक्वल टू के बाद वन रहने दो, सिंपल सिक्स यहाँ पे डिवाइड में उस साइड भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, तो फाइव एम माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब देखो ये इस साइड डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में, सिंपल यहाँ पे फाइव एम माइनस वन इज इक्वल टू वन, सिक्स था सिक्स हो जाएगा आपके पास, उस साइड जाएगा तो मेरा प्लस वन हो जाएगा, तो सिक्स प्लस वन हो जाएगा। अब फाइव एम इज इक्वल टू सिक्स को अगर मैं वन के साथ प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, ठीक है, सिक्स को मैंने वन के साथ प्लस किया तो मेरा सेवन आ गया। अभी भी मुझे m की वैल्यू चाहिए बट मेरा फाइव से मल्टीप्लाई में उस साइड भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेवन अपन फाइव आ जाएगा आपका वैल्यू। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।